I think we have. ये जिस मेरे पीछे खड़े थे देखे भी नहीं, एक दो तीसरा एक कुछ खा रहा है। हाय, मेरा नाम है ओम और ऊपर देख के आपको लग रहा होगा अभी ज्यादा टाइम नहीं हुआ है, 7:30 का टाइम है, बट जगह ऐसी है कि आज मेरी जान भी आ सकती है और अकेले आया हूँ हर बार की तरह, किसी को मैं लेके नहीं आया, बड़ा सेफ्टी के साथ आया हूँ। बट जंगली जानवर पे किसी प्रकार का कोई भी यंत्र तंत्र यूज़ करना भी एक क्राइम है, तो मैं वो नहीं करूँगा जब तक मेरी जान के ऊपर बात ना, क्योंकि ऐसा होता है कि हम बिना परमिशन के भी आते हैं, कई बार परमिशन के साथ भी आते हैं, तो वही होता है कि आप जब तक आपके जान के ऊपर बात ना आए आपके पास जो भी यंत्र तंत्र हैं आप यूज़ नहीं कर सकते। तो मैं आपके बताता हूँ आज के लकड़बग्घा है ना, है ना, जो ही बोलते हैं इंग्लिश में उसको, मैंने इतने लोगों से पूछा, कई लोगों ने सब ने अलग अलग नाम बताया, किसी ने बोला है ना, किसी ने बोला हाय ना, किसी ने बोला कुछ अलग अलग, आपको आप बताने की से बताओ कैसे कमेंट में आप भी लिख ही दोगे। तो फिलहाल क्या करते हैं, जैसे उल्लू लक्ष्मी माता की सवारी है उल्लू, और जैसे शिव शंकर जो अपने भोले भगवान हैं उनकी सवारी है, उनकी जो सवारी है वो नंदी बैल, उनके बड़े बेटे कार्तिकेय की सवारी है मोर, और गणेश जी की सवारी है चूहा, और अपने शेर वाली माता की सवारी है शेर, ऐसे जैसे भगवानों की सवारी होती है कोई जंतु जैसे जानवर, जैसे कुत्ता होता है उसकी सवारी, भैरव बाबा है उनकी सवारी होती है कुत्ता, वैसे ही चुड़ैलों की सवारी क्या होती है, लकड़बग्घा है ना, है ना, जो ही बोलते हैं उसको। जंगल में खड़ा हूँ, डर यहाँ पे इस बात का है कि मैं आपको दिखा दूँ जल्दी जल्दी, मैं पहले आपको दिखाता हूँ जगह, फिर आपको बताता हूँ पूरी स्टोरी कि मैं आज यहाँ पे क्यों आया। गांव के थे एक बुज़ुर्ग रामप्रसाद जी, उन्होंने मेरे को बताया कि बेटा मैंने कई बार यहाँ पे एक चुड़ैल को लकड़बग्घों के साथ और लकड़बग्घों पे सवारी करते हुए, तो उन पे उस पे ऐसे चढ़ के सवारी करते हुए जाते हुए दिखा है, और एक लोग ने नहीं, इस गांव के जो ये गांव है सेरा, इस गांव के लगभग भी पटना के पास ये जगह पड़ती है, पटना से लगभग 130 किलोमीटर के दूर वहाँ एक गांव पड़ता सेरा, वहाँ पे ये जो जगह है कहते हैं बेटा मैंने एक लोग ने मेरे को स्टोरी बताई, कम से कम भी 15 से 20 लोगों ने स्टोरी बताई, और गाँव में ये पूरी तरीके से बात फैली हुई है, कहते हैं कि चुड़ैल है वो है ना लाइक लकड़बग्घे के ऊपर सवारी करती है और हमेशा वो लकड़बग्घे के साथ दिखाई देती है। तो शाम का टाइम में आ गया क्योंकि जंगल था, रात को पता नहीं ये जगह मुझे मिलेगी क्या नहीं मिलेगी, इसलिए मैंने कैमरा यहाँ पे लगा देता हूँ और देखने की कोशिश करेंगे और क्या चुड़ैल लकड़बग्घे के ऊपर सवारी करते हुए दिखती है या फिर क्या होता है, जो भी होता है देखते हैं। बट रिस्की ये है, लकड़बग्घे ना इतने खतरनाक, अगर शेरों के बाद कोई चीज़ खतरनाक होती है तो वो लकड़बग्घे होते हैं, बट वो हमारे नेचर के लिए अच्छे भी होते हैं क्योंकि वो जितनी भी सड़ी हुई चीज़ें होती हैं जो इंसान, जैसे कोई जानवर मर जाता है जंगल में कोई, तो उसको कौन खाता है, तो उनको वो लकड़बग्घे मरे हुए जो इतनी भी गंदी चीज़ें होती हैं ना लाइक जो चीज़ें मर जाती हैं लकड़बग्घे उनको खा लेते हैं और वो इंसानों पर भी हमला करने से नहीं कतराते, उस बात का भी डर है। पहले क्या करते हैं, कैमरा लगाते हैं, वेट करते हैं और देखते हैं कि आज रात को क्या होता है। फिलहाल अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर देना क्योंकि इतनी मेहनत कर रहे हैं, पता नहीं यहाँ से मैं वापस जाऊँगा कि नहीं, बट भगवान की दुआएं और आप लोग का प्यार है। तो गाइस मैं क्या करता हूँ, अभी थोड़ी देर यहाँ वेट करते हैं और उस पेड़ के पास यहाँ पे मैं कैमरा लगा देता हूँ ताकि जो भी जानवर आए इस पानी के पास पानी पीने वो देखने को मिले, और मैं निकल रहा हूँ थोड़ी देर के बाहर, जैसे अंधेरा होगा मैं वापस आता हूँ यार।
जंगल के अंदर जो कैमरा लगाया था मैंने, उसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जानवर कैप्चर हुए, वो आप लोग देखो जब तक मैं चल रहा हूँ जंगल के अंदर। डर लग रहा, और देखो मैं अकेले हूँ, मेरा बैग वैग पड़ा हुआ है। जब मैं अकेले होता हूँ तो मैं अकेले बताता हूँ, जब साथ में होता हूँ तो साथ में सब किसी के साथ में होता हूँ तब मेरी, मैं फंबल इसलिए हो रहा हूँ क्योंकि मैंने अभी जाके क्या बैठ के जो मैं देख रहा था ना कैमरे में कौन कौन से जानवर घूम रहे, मेरी ना लिटरली फट रही है कि मैं जाऊँ कि नहीं जाऊँ। भगवान लगता हूँ, हे कृष्ण जी कृपा करना, हे राधा रानी रक्षा करना, मेरी आवाज़ ही निकल रही है। चलते हैं यार, जो होगा देखा जाएगा। तो गाइस मैं काफ़ी अंदर आ गया हूँ जंगल के, और जहाँ मैंने कैमरा लगाया था मैं कैमरा भी उठा लेता हूँ, उठा के देता हूँ मतलब लाइक ना। और यार ये देखो एक चीज़, ये जानवर बाथरूम करके गए हैं यहाँ पे, और जानवर की पोटी है यहाँ पे, तो बहुत सारे जानवर हैं यहाँ पे। मैं उधर की तरफ कैमरा लगाया था, उधर से कैमरा उठा लूँ बस फटाफट। और फिलहाल मैंने येलो लाइट जलाई है लाइट की, क्योंकि कहते हैं कि ना येलो देख के जानवर नहीं आते हैं, उनको लगता है किसी ने आग जला रखी है। मैं और येलो कर देता हूँ उसको। फिलहाल देख रहे हो रात हो गई अच्छी वाली, और डर लग रहा है क्योंकि इतने सारे जानवर हैं जंगल में, ये मुझे नहीं पता था इतने सारे जानवर हैं। देखो पीला पीला देख रहे हो, येलो लाइट कर दिया मैंने पूरी, मैं कैसे दिख रहा हूँ वो नहीं मेरे मैटर नहीं करता। बट ना यहाँ पे मैं ज़्यादा जोर के जो बोल रहा हूँ, प्लीज़ यार हेडफोन यूज़ करना। और मैंने वो कैमरा उठा लिया है, ये कोयल की आवाज़ है। मैं बैठता हूँ यहाँ पे, और जैसे नहीं नहीं ये लकड़बग्गो की आवाज़ नहीं है, ये लकड़बग्गो की आवाज नहीं है। गाइस जस्ट मैं एक जगह वेट कर रहा हूँ, और एक आवाज आ रही है वो कंफर्म ही है ना, क्या आवाज है। मैं लाइट उठाता हूँ एक बार, जानवर की है ना क्या आवाज आ रही है। जानवर ही रात है, पास में लग रहे हैं, आ गए हैं शायद अंदर ही है कहीं। इसमें ज़्यादा जोर के बोल रहा हूँ, लाइट जाने की मेरी हिम्मत नहीं हो रही है, पर मैं लाइट ऑन करता हूँ यार भगवान से प्रेयर करने, क्योंकि उनकी आवाज़ें आ रही हैं। मैं लाइट ऑन करता हूँ यार। ओ यार ओ, जो जिस मेरे पीछे खड़े थे मैंने देखा भी नहीं, एक दो तीसरा एक कुछ खा रहा है, चार है कुछ। अरे यार क्या करूँ, यार प्यार भी क्या, ओह शिट, मुझे हट चला हटना चाहिए यहाँ से, थोड़ा हटना चाहिए यार, शिट गाइस के मारे फंबल कर रहा हूँ। और फिर क्या हुआ कि मैं वहाँ से निकला, टाइम ज़्यादा नहीं हुआ, 8:10 का टाइम है, टाइम मुझे हटना चाहिए, उनके चलने की आवाज़ें आ रही है, आवाज़ें आ रही है उनकी, मुझे थोड़ा सा हटना चाहिए, लाइटें बंद करनी चाहिए सेफ्टी के लिए। फिलहाल मेरे पास यही है, गाइस वो दिख तो नहीं रहे हैं बट आवाज़ें आ रही हैं उनकी, क्या करूं। बंद हुई गाइस, अब तो नहीं दिख रहे,
पर उनकी आवाज़ें आ रही हैं। शायद इस तरफ एक घना जंगल है, इसमें से आ रही हैं, क्योंकि एक बार वही ये कैसी आवाज़ यार, मेरे रोंगटे खड़े हो गए हैं इस जंगल में अकेले ऐसे फंस के। वो ये लेपड़ की आवाज़ है। केस में बहुत ज़्यादा तगड़े वाला रिस्क है और मैं क्या करने वाला हूँ, अपने जान का रिस्क उठा के मैं दोबारा से जाने वाला, क्योंकि हाई ना लकड़ बग्घे दिख गए हैं, उसके ऊपर जो चुड़ैल दिखती है लोगों को वो नहीं दिखी। और एक बात मैं और, लाइक जब मैं इनके बारे में पता कर रहा था तो एक बार और मैं एक चीज़ मैंने और पता की कि ना जो हाइना है उनके लाइक हंसने की या फिर बोलने की या फिर रोने के बाद वो किस चीज़ की आवाज़ है, बट वो आवाज़ ऐसा लगता है कोई चुड़ैल हंस रही है। वो आवाज़ हाइना की आवाज़ और इनके बाद सेम ऐसा लगता है जैसे कोई चुड़ैल हंस रही है। तो ये शायद गाँव वाले कन्फ्यूज़ हो इस चक्कर में, लेकिन कई लोगों ने हाइना को देखा है जंगलों के अंदर। तो फिलहाल क्या करता हूँ गाइस यार, लाइट में उठाता हूँ और चलते हैं इसको उठा के दोबारा से जंगल के अंदर यार, क्योंकि ऐसे कुछ भी नहीं होने वाला और आप लोग को मैंने वो दिखाया नहीं, ये भी सब चीज़ क्लियर नहीं होगी, तो ये क्लियर चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसको उठाते हैं, चलते हैं जंगल के अंदर। गाइस अब मैं ना मेरे पे कोई उपाय नहीं है, फिलहाल एक ही उपाय है कि मेरे को सिर्फ और सिर्फ वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं नहीं किया तो गांव वाले आप लोग भी बोलोगे कि यार वीडियो में कुछ मज़ा नहीं आया। और मुझे भी ना लाइक वो चीज़ देखनी है, वो लकड़ बग्घे के ऊपर उस चुड़ैल की सवारी देखनी है। आप लोग भी देखना चाहते हैं, मैं भी देखना चाहता हूँ, तो इसके लिए सिर्फ और सिर्फ मेरे पे ये है कि मुझे वेट करना पड़ेगा। एंड अचानक से आवाज़ें आई बहुत सारे जानवरों की, लगता कुछ कोई तो है पास में। अगर बग्गों की आवाज़ आएगी तो बस मेरे को कैमरा उठाना है और देखना है। आवाजें आ रही हैं, बहुत जो दूर की आवाज़ होती है वो ही बहुत अलग है, बहुत पास में है। आवाज पीछे से आ रही है, वहां कोई है। कोई था जस्ट, ये देखो ये हंसने की आवाज़ आ रही है यहाँ की तरफ। इस तालाब के पास तीन चार लकड़ बग्घे थे और एक औरत उनके ऊपर उसके साथ खड़ी थी। ओ यार ये आवाज़ और मेरे हाथ के रोंगटे खड़े हो गए यार, ओ भगवान ये आवाज़ आ रही है। वो रही कोई तो छलावा कर रहा है गाइस, कोई तो छलावा कर रहा है जंगल में। ये मैं उधर से आ रही है आवाज़ लकड़ बग्घों की, वहाँ की तरफ कोई है, आवाज़ें आ रही हैं यार। इतना रिस्क लेना भी ठीक नहीं है, इतना रिस्क लेना भी ठीक नहीं यार।
मैं हटता हुआ यहाँ से। मैं सबसे ये पूछना चाहता हूँ कि यार कोई ऐसा कुछ होता है जैसे हम किसी जानवर को बिना कुछ उसको हार्म पहुँचाए, बिना किसी नुकसान पहुँचाए, क्या हम कुछ ऐसा केमिकल या कुछ लाइक लाल मिर्च ऐसा इंसानों पे तो यूज़ होता है, जानवर पे कुछ होता है, ऐसा कुछ होता है तो मुझे प्लीज़ बताना ताकि मेरी सेफ्टी के लिए वो आगे मैं उसको यूज़ कर पाऊँ। और मैं वहाँ से निकल के आ गया क्योंकि आवाज़ बहुत ज़ोर की आ रही थी और किसी की वो मैंने जब एक ना मुझे लगा जैसे वो बहुत सारे वहाँ पे वो लोग लकड़ भग्गे थे एंड उसके उसके साथ में ही कोई औरत खड़ी थी वो मुझे लगा। वो फिर मैं जैसे ही भाग के गया तो वहाँ पे कुछ नहीं दिखा। या तो मैं बहुत देर से सोच रहा था कि ऐसे ऐसा कुछ हो सकता है, ऐसे आ सकती है, तो मेरे मन में कुछ क्लिप्स ही बन गई हो, या फिर मेरे एक होता है जो हम सोचते हैं ना वो हमारे मन में बन जाता है, फिर वही आगे चलने लगता है। तो क्या पता वो चीज़ हो गया हो या फिर क्या था, नहीं पता। बट मैं दोबारा गया तो नहीं दिखा, बट आवाज़ आ रही थी इसलिए मैं डर गया, मैं आ गया बाहर। फिलहाल मैं इस वीडियो को यहीं तक रखता हूँ। वीडियो कैसे लगे, अच्छे लगे तो लाइक कमेंट शेयर कर देना। ओम ब्लॉग से पहली बार सब्सक्राइब किया, मजा मिलता है नेक्स्ट में। तब तक के लिए बाय यार।